हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडिटोरियल वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे निपा वायरस, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है केरला में, अगेन इसका जो आउटब्रेक है वो नोटिस किया गया है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द डिटेल ऑफ निपा वायरस, कहाँ फर्स्ट टाइम ये पाया गया था, कैसे ये केरला में केसेस ऑब्जर्व करे गए, केरला में फर्स्ट टाइम कब आया था, जैसे कि 2018 में फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था उसके बारे में जानेंगे, की हाइलाइट्स क्या रहे इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स के, और जो न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा ये डिस्कशन आज की डेट में चल रहे हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज निपा वायरस इन डिटेल, उसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, वैक्सीन है या नहीं है, उसका हम बोल सकते हैं कि आपका जो मोर्टैलिटी रेट है क्या रहता है, देन निपा वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो समझेंगे, एंड मोर्टैलिटी कम है या ज्यादा है उसको ट्रांसमिशन के हिसाब से समझेंगे। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी डोजेस बेसिकली, क्योंकि जो इंडिया ने रीच आउट किया है ऑस्ट्रेलिया को प्रोक्योर करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डोजेस, क्योंकि वो निपा वायरस का आउटब्रेक जो केरला में है उसे कॉम्बैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, एंड इंडिया इज एक्सपेक्टिंग कि 20 मोर डोजेस जो है बहुत जल्दी हमें मिल जाएंगी, ये ICMR के हेड ने भी कहा है। सो हम ये समझेंगे ये मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, किस प्रकार से ये हमें हेल्प करती हैं, बोल सकते हैं कि कैसे काम करती हैं टू स्टॉप अ वायरस और प्रिवेंट कि वो वायरस कैसे ना फैले। देन पर्टिकुलरली M102.41 हम बोल सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसके बारे में जानेंगे कि क्यों ये न्यूज़पेपर्स में है और ये क्या होती है। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि क्या करना चाहिए सरकार को, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू टैकल विद निपा वायरस इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाई द निपा वायरस इज इन न्यूज। सो एज आई टोल्ड यू कि अगेन कोझिकोड जो एरिया है वहां पे, ये केरला में एक एरिया है वहां पे, जो फोर्थ टाइम हम बोल सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में केरला में फोर्थ टाइम अब ये डिजीज का जो आउटब्रेक है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है निपा वायरस का। ऐसा नहीं है कि केरला में ही आउटब्रेक हो रहा है और कहीं और ये फैल नहीं रहा है इंडिया में, बस ऐसा है कि केरला में बहुत ज्यादा जो केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि सिम्टम्स, कुछ वियर्ड सिम्टम्स नोटिस किए जाते हैं, वहाँ निपा वायरस के लिए टेस्ट किया जाता है, लेकिन और जो एरियाज है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो निपा वायरस के केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते, टेस्टिंग की कमी होने के कारण लोगों की डेथ भी होती है बट वो रिपोर्टेड केसेस नहीं है। बट केरला में टेस्टिंग ज्यादा होने की वजह से तो केरला में पता चलता है कि यस निपा वायरस के केसेस आ रहे हैं। नाउ द सेकंड थिंग विच वाज इन न्यूज वाज दैट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया है, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेस जो है वो इंडिया को चाहिए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निपा वायरस आउटब्रेक को टैकल करने के लिए इन केरला, एंड इंडिया इज एक्सपेक्टिंग की 20 मोर डोजेस जो है इंडिया को मिल जाएंगी जल्द ही, और ये ICMR के हेड ने कहा है। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, 2 लोगों की डेथ हुई थी निपा वायरस से लास्ट वीक ही कोझिकोड में, एंड 3 मोर पर्सन्स वर आइडेंटिफाइड कि हो सकता है कि 2 ऑफ देम जो थे, जो जिनकी डेथ हुई उनके रिलेटिव्स ही थे, उन्होंने भी टेस्ट पॉजिटिव किया है। सो यू कैन सी कि जो लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं निपा वायरस के पेशेंट के साथ उनकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको भी हो सकता है। सो दिस इज हैपनिंग कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोला जा रहा है कि अब इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उसमें कुछ 21 से 23 लोग ऐसे हैं जिन्हें बोला जा रहा है कि इन्फेक्टेड थे, और उसमें से 23 में से 21 लोगों की डेथ भी हुई है, क्योंकि यहाँ मोर्टैलिटी रेट अगर निपा वायरस की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई होता है। नाउ द सिचुएशन इफ यू टॉक अबाउट इट इज वेरी मच सेम ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, सपोर्टिव केयर ही आप दे सकते हो हैंडल करने के लिए निपा वायरस इन्फेक्शन को, क्योंकि और हॉस्पिटलाइजेशन सेटिंग में ही आप ये दे सकते हो, क्योंकि 0 कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं डेवलप हुई है, कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, एंड 16 टीम्स भी जो है फॉर्म करी गई है टू टेक फॉरवर्ड अप्रोप्रिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इस निपा वायरस के केसेस में क्या होता है, कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स या बोल सकते हैं हम क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से निभाना होता है, तो उसके लिए टीम्स बनाए गए हैं स्टेट लेवल पे, एंड सेंट्रल टीम की अगर बात करें वो भी केरला में भेजी गई है ताकि कि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट किया जा सके। सिर्फ केरला की बात नहीं है, नेबरिंग स्टेट्स ने भी प्रिपरेटरी स्टेप्स लेने दोबारा शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बॉर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है, तो इन्फेक्शन क्रॉस ना करे केरला की स्टेट या उन स्टेट्स में ना आए, तो उसके लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो बेसिकली दिस वॉज द क्रक्स ऑफ द न्यूज़ व्हाई निपा वायरस इज अगेन इन न्यूज़ पेपर्स। अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें कि और निपा आउटब्रेक की बात करें, तो निपा वायरस जो है वो कैसा इंडिया में रहा है उसका बोल सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। तो निपा वायरस के आउटब्रेक्स की अगर बात करें तो 2018 में हुआ था, 2021 में हुआ था, 2023 में हुआ है, एंड दिस वाज इन केरला एंड कोझिकोड़े में नोटिस किया गया है। 2019 में भी आउटब्रेक हुआ था, बट दैट वाज इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, ओके, सो इट वाज इन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, इट वाज नॉट इन कोझिकोड़े। सो 4 आउटब्रेक्स जो आउट ऑफ द 5 ईयर्स में हुए हैं, मे बी बिकॉज द वायरस हैज बिकम एंडेमिक टू द बैट्स विच आर लिविंग इन केरला, क्योंकि ये जूनॉटिक डिजीज है, फ्रूट ईटिंग बैट्स से होता है,
और वी कैन से ड्यू टू द थोरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनडायग्नोस्टिक फीवर केसेस फॉर पॉसिबल निपा वायरल इन्फेक्शन. हम ये कह सकते हैं कि जो ये बैट है बहुत ज्यादा पाया जाता है इस एरिया में. और दूसरा, क्योंकि डायग्नोसिस जो होता है जिन फीवर के हमें फीवर केसेस में ये नहीं पता होता कि क्या कारण हो सकता है, तो उनको निपा वायरस के लिए बहुत टेस्ट किया जाता है केरला में. तो दिस कैन बी अ गुड रीजन वाई द वी कैन से द केसेज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द एरिया. सो एक्सेप्ट इन NIV पुणे देर इज नो निपा वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी एनीवेयर इन इंडिया. सो यू शुड रिमेम्बर दैट NIV पुणे इज द फैसिलिटी जहाँ पे टेस्टिंग होती है. और केरला स्क्रीन्स फॉर निपा वायरस रूटीनली इन द मॉलिकुलर लैब विच इज इन कैलिकट मेडिकल कॉलेज. देन पेशेंट्स विद अनयूजुअल सिम्टम्स आर टेस्टेड फॉर निपा वायरस. एंड द रीजन वाई केरला माइट बी डिटेक्टिंग निपा वायरस केसेज इज दिस ओनली दैट द टेस्टिंग इज एट अ हायर एंड इन दिस state. So the patients who were tested positive of the virus in 2023, they had only respiratory cysts. जैसे कि ये नहीं है कि निपा वायरस में बहुत सारे नहीं सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ रेस्पिरेटरी होते हैं. नहीं, निपा वायरस के बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जो वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे. लेकिन 2023 में जो केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं निपा वायरस के लिए, उन्हें सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स जो थे वो थे. एंड ये ऐसा सिचुएशन जो है अभी तक वर्ल्ड में नोटिस नहीं किया गया है कहीं भी कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो और उन्हें निपा वायरस हो. एंड निपा वायरस डिटेक्शन स्टिल बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू डॉक्टर्स हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशंस ओनली. क्योंकि अगर डॉक्टर सस्पेक्ट नहीं करते हैं कि हो सकता है तो टेस्टिंग नहीं होगी, तो केसेस नहीं पता चलेंगे. एंड NIV पुणे ने ये फाउंड आउट किया है कि निपा वायरस की जो एंटीबॉडीज हैं इन फ्रूट बैट्स जो पाए जाते हैं वो 9 स्टेट्स में, जिसमें केरला, यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी आते हैं, वहां पाए गए हैं. एंड लास्ट आउटब्रेक की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल इंडेक्स केसेस, क्लस्टरिंग ऑफ केसेस, अनयूजुअल सिम्टम्स, प्रॉक्सिमिटी टू 2018 आउटब्रेक एपिसेंटर लेड टू टेस्टिंग फॉर निपा वायरस विच इज गोइंग ऑन दीज डेज. सो दिस वॉज द क्रक्स ऑफ 2018 से लेकर 2023 तक किस तरह की टेस्टिंग करी गई है, कैसे टेस्टिंग को बढ़ाया गया है. और इस साल जो केसेस आए हैं वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स शो कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक यूनिक सा केस इस बार हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी चीज पहले नोटिस नहीं की गई है. अगर हम बात करें कि प्रायर एक्सपीरियंसेस से इंडिया ने क्या सीखा है, तो मेडिकल टीम्स और जिनके पास टूल किट्स होती हैं फॉर प्रोटोकॉल्स अक्रॉस द सेक्टर, जैसे मैनेजमेंट को कैसे देखा जाए, आइसोलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, कंटेनमेंट कैसी होगी, ट्रीटमेंट कैसा दिया जाएगा, ये चीजें हमें थोड़ी सी पहले से आइडिया है, क्योंकि यही हमें सिर्फ गार्ड कर सकती है अगेंस्ट द आउटब्रेक. बट इन केस ऑफ निपा वायरस, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है इन द ओरिजिनल हैबिटेट जोन ऑफ फ्रूट बैट्स हैज रिपीटेडली शोन अप द पोस्ट फैक्टर एनालिसिस. सो बेसिकली जो एक्सपैंड हुई है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसे भी एक फैक्टर बोला जा रहा है. एंड एज गवर्नमेंट्स माउंट स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स टू कंट्रोल द आउटब्रेक, डेथ्स ड्यू टू द इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो दे वॉन्ट टू कंट्रोल, इट इज इंक्रीजिंगली क्लियर दैट द स्टेट्स नीड टू इनिशिएट वन हेल्थ अप्रोच ऑन द वे फॉरवर्ड. वाई वी आर सेइंग दिस, क्योंकि वन हेल्थ अप्रोच से क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड अप्रोच होती है, जिससे बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमाइज हेल्थ ऑफ पीपल जो है हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं. एज वेल एज वी विल नीड इट फॉर एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट. क्यों? क्योंकि एनिमल्स से ही ह्यूमंस में फैलता है, तो एक वन हेल्थ अप्रोच जो है वो चाहिए होगी, सो दैट वी कैन बेटर टैकल दिस आउटब्रेक. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट व्हाट WHO हैज सेड अबाउट निपा वायरस इन्फेक्शन. देखो, WHO ने ये कहा है कि निपा वायरस इन्फेक्शन जो है वो न्यूली इमर्जिंग जूनोसिस है. दैट इज, इट इज अ डिजीज जो एनिमल से ह्यूमंस में आता है. और क्लोजर रिजर्वियर की अगर बात करें कि जिनमें वायरस पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है आपके फ्रूट बैट्स. ये जो वायरस है वो न्यू जीनस टर्म्ड हेनिपा वायरस, जो सब फैमिली को बिलोंग करता है पैरामाइक्सोविरानी की, इसको बिलोंग करता है. सो ये जो फ्रूट बैट्स में पाया जाता है, दिस इज बेसिकली हेनिपा वायरस, जिसकी वजह से निपा वायरस होता है. एंड निपा 2018 में जो है सरफेस हुआ था केरला में. अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं निपा वायरस के, वो थोड़े से सिमिलर होते हैं इन्फ्लुएंजा से, जैसे कि फीवर आना, मसल पेन होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है कि उन्हें एक तो पहले ये देखना है कि निपा वायरस के केसेस हैं या नॉर्मल फीवर के केसेस हैं, इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं. तो ये डिस्टिंक्शन करना ऑन अ वेरी प्राइमरी लेवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन कैन ऑल्सो कॉज डिसोरियंटेशन, विच कैन बी वन इम्पैक्ट ऑफ निपा वायरस. एंड लेट ऑनसेट ऑफ एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है.
कभी कभी ऐसा होता है कि जो पर्सन के जो एसिम्प्टोमैटिक इन्फेक्शन होता है जिनको निपा वायरस, ऐसा नहीं है कि एसिम्प्टोमैटिक नहीं हो सकता है, हो सकता है, एसिम्प्टोमैटिक जिनको निपा वायरस होता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस लोग हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो कैरियर है. निपा वायरस के केस में ऐसा है कि इलाज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको कंटेनमेंट एक जो है तरीका देखा जाता है कि कैसे उसे ना फैलने दिया और जा सके. लेकिन अगर कोई एसिम्प्टोमैटिक इन्फेक्शन है जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें निपा वायरस है, तो वो बहुत बड़े कैरियर बन सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं है और बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज निपा वायरस. बेसिकली जैसे हमने कहा कि एक जूनोटिक वायरस है, एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है. ये जो ऑर्गेनिज्म है जो निपा वायरस कॉज करता है, निपा वायरस इंसेफेलाइटिस, दिस इज बेसिकली आरएनए, दैट इज रोबो न्यूक्लाई एसिड वायरस होता है जो कि पैरामाइक्सोबरांडे या जीनस हेनिपा वायरस को बिलोंग करता है. एंड ये हेंड्रा वायरस जो है उससे बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ये वायरस. हेंड्रा वायरस क्या होता है? ये एक इन्फेक्शन है, रेयर इमर्जिंग जूनोसिस हम इसे बोल सकते हैं, जो सिवियर एंड ऑफल फेटल डिजीज बोला जाता है. एंड दिस इज बोथ इन ह्यूमंस एज वेल एज हॉर्सेस ये पाया जाता है. तो आपको यहाँ याद रखना है, जब हम हेंड्रा वायरस की बात कर रहे हैं तो इट इज फाउंडेड इन्फेक्टेड हॉर्सेस की बात यहाँ हम कर रहे हैं. ओके, अब अगर हम निपा वायरस की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये ब्रोक आउट हुआ था मलेशिया में. ये बहुत ही ज्यादा रीसेंट डिजीज नहीं है, 1998 और 1999 से हम जानते हैं कि वायरस एग्जिस्ट करता है. मलेशिया में 1998 में बोल सकते हैं ब्रोक आउट हुआ था, सिंगापुर में 1999 में. एंड ये मलेशिया में एक विलेज है जिसका नाम है सुंगाई निपा, जहाँ ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था, इसीलिए इसका वायरस उस विलेज के नाम पे, इस वायरस का नाम जो है उस विलेज के नाम पे रखा गया है. एंड दिस फर्स्ट अपियर्ड इन डोमेस्टिक पिग्स, जो डोमेस्टिकेटेड पिग्स होते हैं उसमें ऑब्जर्व किया गया था. एंड सेवरल अदर डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स, गोट, हॉर्सेस, शीप, इनमें भी बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल्स में सबसे शुरुआत में पाया गया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स क्या होते हैं आपके निपा वायरस के. जैसे कि मैंने बताया कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो फीवर है, हेडेक है, कोमा भी हो सकता है, ड्राउजीनेस है, कंफ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन है, दीज आर सिम्टम्स. सो आप बोल सकते हैं मेंटल कंफ्यूजन होना, पोटेंशियली डेथ भी हो जाती है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट की बात करें, क्योंकि ये हाईली लीथल डिजीज है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है बोथ फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स. तो मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 40-75% इसकी मोर्टेलिटी रेट होती है. दैट मीन्स हाई मोर्टेलिटी है इस डिजीज की बहुत ज्यादा. सो इन ह्यूमन केसेस हम क्या करते हैं, सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं, इंटेंसिव केयर देते हैं. यही मेन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, इंटेंसिव सपोर्ट केयर फॉर ह्यूमंस, क्योंकि वैक्सीन अभी तक इसकी अवेलेबल नहीं है. अगर हम बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो ये फ्रूट बैट्स जो होते हैं उनसे फैलता है या ह्यूमन से ह्यूमन में भी हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर कोई वैक्सीन नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं विच कैन बी अडॉप्टेड. सो बेसिकली अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो आपको अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बैट्स. जिन एरियाज में इन्फेक्टेड बैट्स पाए जाते हैं या इन्फेक्टेड बैट्स अगर आपको पता है तो उनसे आपको कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है. जो कंटेमिनेटेड एरियाज हैं विद बैट एक्सक्रीटा और सिलाइवा, क्योंकि ये बैट्स के एक्सक्रीटा और सिलाइवा से फैलता है, अगर आपको पता है कि कुछ एरियाज जो है कंटेमिनेटेड है तो उन एरियाज को अवॉइड करना है. आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं, करने ही हैं जब आप कभी भी किसी पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं तो, और या फिर उनके बॉडीली फ्लूइड्स जो होते हैं जैसे स्वेट है, सलाइवा है, एक्सेट्रा, इन सबको हैंडल कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने होंगे. आपको प्रॉपरली कुक ऑल मीट प्रोडक्ट्स बिफोर कंजप्शन, दैट मीन्स आपको अगर मीट प्रोडक्ट्स खाने हैं, कंज्यूम करने हैं, तो वो प्रॉपरली कुक होने चाहिए, अंडर कुक नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली कुक होते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको ये डिजीज कम होगा इवन इफ द मीट वॉज इन्फेक्टेड. सो प्रॉपरली कुक्ड मील ही आपको खानी है इन केस ऑफ मीट प्रोडक्ट्स बिफोर द कंजम्पशन. यू शुड मेक श्योर दैट मेंटेन गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, क्योंकि जैसे हमने कहा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है तो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. तो दिस इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स. देन स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटब्रेक्स एंड फॉलो गाइडलाइंस फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज. अगर आपके एरिया में आपको पता है कि आउटब्रेक हुआ है एंड गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस दिए हैं, हेल्थ अथॉरिटीज ने कोई गाइडलाइंस दिए हैं, तो वो प्रॉपर फॉलो करना इज वन ऑफ द efforts which we can make towards prevention of the disease. Then quarantine and monitor people who have been in contact with infected individuals. For example, you know that you have come in contact with a person who was infected with Nipah virus. So it is said कि आपको quarantine करना चाहिए और monitor करना चाहिए ऐसे लोगों को, so that वो आगे किसी को नहीं फैलाए. And उनकी health के लिए, जैसे कि mortality rate बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी treat करना on time ज़रूरी है. Precautionary treatment यहाँ available है, तो उसी की यहाँ बात कर रहे हैं.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन से ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है एंड फ्रूट बैट से हो सकता है. तो लेकिन थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं. बेसिकली ये जो डिजीज है ये फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस जिन्हें बोलते हैं बेसिकली उनसे फैलता है. सो जब ये जो है नेचुरल रिजर्वॉयर या होस्ट हम बोल सकते हैं नीपा वायरस और हेंड्रा वायरस के होते हैं एंड ये बैट के यूरिन में बैट फ्यूसेस सलाइवा बर्निंग फ्लूइड्स जो होते हैं या ब्लड जो होता है इनमें पाया जाता है. ओके सो बेसिकली निपा वायरस इज कनेक्टेड टू फ्रूट बैट्स देन फ्रूट बैट्स का जो ब्लड यूरिन सलाइवा एक्सेट्रा होता है ये चीजों से क्या होता है फर्स्ट टाइम ये जो है पिग में जो है ट्रांसमिट हुआ था फ्रॉम बैट्स आउटब्रेक जब हुआ था उसके बाद जब ये ब्लड यूरिन या सलाइवा जो होता है ये कंटामिनेटेड जैसे फ्रूट्स में पाया जाता है डेट पाम सैप में पाया जाता है ये अगर ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आता है तब ह्यूमन्स को बोल सकते हैं हम निपा वायरस होता है. ह्यूमन्स ऑल्सो हैव दे ईट पिग मीट सो इन्फेक्टेड पिग एंड अनकुक्ड जो मीट होता है उससे भी ह्यूमन्स को हो सकता है एंड ह्यूमन्स का मोर्टैलिटी रेट इज लाइक 40-75% इफ दे आर इन्फेक्टेड विद यू कैन से निपा वायरस. एंड सिमिलरली अगर हम बात करें कि पिग में कैसे ट्रांसफर होता है डायरेक्टली बैट से भी हो सकता है एंड अगर पिग जो है कोई कंटामिनेटेड चीज जो है कंज्यूम करता है उससे भी हो सकता है. So it is a cycle we can say from bats it can go to the animals then from animals to humans and it can also go directly from bats to the human in the form of contaminated fruit or contaminated food etc. So it can be transmitted in both the ways. Now let's talk about this map here. So this is basically the geographic distribution of Henipa virus outbreak and fruit bats of Petropodia family. So you can see. So, जो इस मैप पे कंट्रीज मार्क्ड है लाइट येलो कलर से जैसे कि ये कलर मार्क्ड है लाइट येलो या ऑरेंज बोल सकते हैं आप ये कंट्रीज हैं जो कि रिस्क पे है एंड विच आर मार्क्ड विद रेड जैसे इंडिया है ऑस्ट्रेलिया है दीज आर द कंट्रीज जहां पे हम बोल सकते हैं आउटब्रेक जो है रिपोर्ट किया गया है. यू कैन सी सम पार्ट्स हियर हियर सम पार्ट्स इन अफ्रीका आर विच आर एट डेंजरस लेवल मेडागास्कर इज एट अ रिस्क ऑफ इट. आउटब्रेक्स अभी नहीं ऑब्जर्व किए गए हैं बट आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पे ये बोला गया है कि आउटब्रेक्स जो है ऑब्जर्व किए गए हैं एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो द प्लेस जहां पे ऑब्जर्व किए गए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो क्या है जो कि हमने बोला कि हमें ऑस्ट्रेलिया से हमने बोला है कि हमें चाहिए. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होते हैं बेसिकली लेबोरेटरी मेड प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज का जो बिहेवियर होता है उसको कॉपी करते हैं या मिमिक कर सकते हैं बोलते हैं और ये इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस किए जाते हैं जो एंटीबॉडीज होते हैं ताकि वो किसी डिजीज या फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट कर सके. सो ऐसे ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी जो है लेबोरेटरी में बनाए गए प्रोटीन्स हैं जो एंटीबॉडीज जैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी फॉरेन सब्सटेंस या डिजीज से वैसे ही ये भी प्रोटेक्ट करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है जो एंटीबॉडी होती है वो अपने आप को एंटीजन जो कि फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है या डिजीज कॉजिंग मॉलिक्यूल हो सकता है उसके साथ अटैच करता है फिर इम्यून सिस्टम क्या करता है इसे एलिमिनेट कर देता है बॉडी से. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू टारगेट सर्टेन एंटीजन. सो बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज होती हैं मोनोक्लोनल ये पर्टिकुलर एंटीजन को टारगेट करती है और फिर बॉडी से फ्लश आउट करती है इम्यून सिस्टम से एलिमिनेट करती है. अगर हम बात करें तो ये जो है एंटीबॉडीज चार डिफरेंट वेज में बनाई जा सकती हैं एंड जिस वे में ये बनाई जाती हैं उसके हिसाब से ही इनका नाम है. फर्स्ट टाइप इज म्यूरिन जिसमें 0% ह्यूमन इसलिए लिखा गया है क्योंकि दीज आर मेड फ्रॉम माउस प्रोटीन. ओके एंड द नेम्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड इन OMAB. ओके सो जिन ट्रीटमेंट के सफिक्स में आप बोल सकते हैं OMAB होता है उनमें ये जनरली यूज की जाती है. देन है काइमेरिक जो कि 65% ह्यूमन प्रोटीन होती है और कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं पार्ट ऑफ माउस एंड पार्ट ऑफ ह्यूमन होता है एंड ऐसे जो डिजीजेज होते हैं जिनके सफिक्स में जिगमैब होता है उनके लिए ये ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है. देन होती है ह्यूमनाइज विच इज 90% से ज्यादा ह्यूमन दैट इज दे आर मेड फ्रॉम स्मॉल पार्ट्स ऑफ माउस प्रोटीन विच आर अटैच्ड टू ह्यूमन प्रोटीन एंड द नेम्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड इन जुमैब. ओके देन आता है ह्यूमन दैट इज 100% ह्यूमन होता है That means these are fully human protein and the names of the treatment end with UMAB, UMAB, okay? So you can see this is a differentiation. अगर हम potential of immunologicity की बात करें तो murine का high potential होता है and towards when we move towards human, it is comparatively low potential of immunology, we can say. So these are the four types I have explained in this also. अगर हम बात करें कि how do we make monoclonal antibodies, basically COVID-19 में भी use किया गया था. तो COVID-19 के केसेस में क्या होता था कि दे यूज्ड टू टेक द ब्लड फ्रॉम द पर्सन हु वाज रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 एंड उससे ये बनाया जाता था.
सो सिमिलरली मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, जो वैक्सीन्स होती हैं वो दे टीच द बॉडी टू रिकॉग्नाइज अ फॉरेन इन्वेडर थ्रू द क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज. ओके, ये जो फॉरेन इन्वेडर है जब बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो इम्यून सिस्टम रिपोर्ट जो है रिस्पॉन्ड करता है. सो जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं पेशेंट की बॉडी में, तो ये जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनके साथ कंबाइन कर लेते हैं, उससे क्या होता है ये न्यूट्रलाइज करते हैं एंड ब्लॉक कर देते हैं इन्वेडर्स को फ्रॉम एंटरिंग एंड इन्फेक्टिंग अदर सेल्स. सो बेसिकली जब ये कंबाइन हो जाते हैं उसके बाद ये जो बोल सकते हैं इन्फेक्टिंग सेल्स का फंक्शन है कि वो दूसरों को इन्फेक्ट करें उसको ब्लॉक कर देते हैं एंड उनको टैग करते हैं डिस्ट्रक्शन. ओके, सो उस वजह से क्या होता है जो माइक्रोफेज सेल होता है वो उन्हें एंटर नहीं करने देता है, तो हमारी बॉडी के और सेल्स इन्फेक्ट हों उससे ये हमें बचाता है. नाउ व्हाट इज M102.4? देखिए जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं लेंसेट जर्नल में हुए थे, लेंसेट जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो M102.4 है इट इज अ पोटेंट फुली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि न्यूट्रलाइज करता है हेंड्रा एंड निपा वायरस दोनों को. ओके, सो पर्टिकुलरली बोल सकते हैं एक एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो निपा वायरस के केसेस में यूज किया जा सकता है एंड ये न्यूट्रलाइज करता है बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड द एंटीबॉडी पास द फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, ये पास कर चुका है. इसका मतलब ये होता है कि रिसर्चर्स ने टेस्ट किया है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे इसे टेस्ट किया है, बट टेस्ट किया है टू एस्टिमेट द राइट डोज ऑफ ट्रीटमेंट दैट ऑल्सो डजंट कॉज साइड इफेक्ट्स. दैट मीन्स कितना अमाउंट ऑफ M102.4 हमें देना चाहिए जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरह उसे यूज किया जा सके. एज ऑफ नाउ द ड्रग इज यूज ऑन अ कंपैशनेट यूज बेसिस. कंपैशनेट यूज बेसिस का मतलब क्या होता है कि ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो अलाउ करता है यूज ऑफ अनऑथराइज्ड मेडिसिन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन. ओके, ये सभी के लिए अवेलेबल अभी नहीं है, स्ट्रिक्ट कंडीशन में इसे यूज किया जा सकता है जिन केसेस में कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं हो. सेटिस्फैक्ट्री अनऑथराइज्ड ट्रीटमेंट इज नोन टू बी पॉसिबल, दैट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री ऑथराइज ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है. रेयर टू रेयर केसेस में यूज किया जाता है, जहां पे पेशेंट्स कैन नॉट एंटर क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर वेरियस रीजंस वहां इसे यूज किया जाता है. तो बोल सकते हैं कंपैशनेट यूज के लिए ये अभी अवेलेबल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर्क. मैंने रफली थ्रू द इमेज आपको समझाया था कि ये कैसे काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होते हैं वो स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड हैं एंड जनरेटेड हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट करने के लिए. और इसका क्या मतलब होता है, ये अटैच करते हैं अपने आप को स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग एंटीजन पे. मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर एंटीजन पे अपने आप को अटैच करेंगे, नहीं, स्पेसिफिक डिजीज के लिए जिसके लिए इन्हें बनाया गया है उसके साथ अटैच करते हैं. एंड जो ये एंटीजन होता है जनरली ये प्रोटीन होता है. दिस शुड बी रिमेम्बर्ड बिकॉज बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो ये जो एंटीजन होता है प्रोटीन होता है. और हमने देखा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी जो है वो प्रोटीन से ही बनती है, भले ही वो माउस जनरेटेड हो या फिर ह्यूमन जनरेटेड हो, कि हमने 4 वेज जो स्टडी किए थे उसके हिसाब से. सो मोस्ट सक्सेसफुल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की अगर बात करें तो जो COVID-19 पेंडेमिक हुआ था उस टाइम पे हम बोल सकते हैं बनाया गया था. एंड दिस वॉज इंजीनियर टू बाइंड द स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS कोविड वायरस एंड बाइंडिंग प्रिवेंटेड द प्रोटीन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स रेगुलर फंक्शन. जो SARS कोविड के जो स्पाइक प्रोटीन्स होते थे उसके साथ ये जो एंटीबॉडी होता था वो जो है अपने आप को अटैच कर लेता था और उसके बाद जो उसका रेगुलर फंक्शन था इन्फेक्ट करना अदर सेल्स को उससे प्रिवेंट करता था. अब आज की डेट में जो ये जो एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं वो रिकम्बेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो जीन यूज किए जाते हैं जो कोड करता है फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो बाइंडिंग रीजन जो होता है जिसे वेरिएबल रीजन भी कहते हैं इज आइसोलेटेड फ्रॉम बी सेल और सिंथेसाइज्ड इन द लाइब्रेरी. दैट मीन्स उसे आइसोलेट करके रखा जाता है बी सेल से या लाइब्रेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है. उसके बाद ही जो एंटीबॉडी है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ऑफन एक बैक्टीरिया हो सकता है, मेमेलिया सेल हो सकता है, और यूज किया जाता है रिकम्बेंट DNA टेक्नोलॉजी जिसमें मैनिपुलेटिंग DNA मटीरियल आउटसाइड एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है. सो ये जो होस्ट सेल होता है जिसे हम बायोरिएक्टर्स भी बोलते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं जिसे बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, रिडाइट किया जाता है फॉर द यूज जो भी डिजायर्ड पर्पस होता है. नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो एक मेजर कॉम्पोनेंट है वायरसेस के जिससे डिजीज होते हैं ह्यूमन्स में. सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च M1024 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोडोमिनेंट रिसेप्टर जो होते हैं जो कि बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं निपा वायरस के,
उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। इसलिए M102.4 जो हम बोल सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ निपा वायरस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन केस ऑफ निपा वायरस। देखो आज की डेट में निपा वायरस जो है बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ कंसर्न के रूप में देखा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा आउटब्रेक होने का पोटेंशियल ये रखता है एंड प्लस मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, तो इसे टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आउटब्रेक होता है। सो इसीलिए वी कैन से इट इज अ वेरी बिग पब्लिक हेल्थ कंसर्न। सो वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स सो दैट ये फ्यूचर में बहुत बड़ा पेंडेमिक टाइप सिचुएशन ना क्रिएट करे। सो वी विल नीड अर्ली डिटेक्शन, सर्वेलेंस एंड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन हमें चाहिए होंगे ताकि के कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग जो है इस डिजीज की वो करी जा सके। अगर गलती से आउटब्रेक होता है तो अर्ली डिटेक्शन से क्या होगा, हम वो बाकी लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। सर्विलेंस बेटर होनी चाहिए और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन और ज्यादा बेटर होनी चाहिए टू टैकल अ आउटब्रेक। देन एनिमल हेल्थ और वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए यूजिंग वन हेल्थ अप्रोच। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एज निपा वायरस आउटब्रेक्स हैव इन्वॉल्व, पिग्स इन्वॉल्व हैं, फ्रूट बैट्स इन्वॉल्व हैं, एनिमल हेल्थ और वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि कि हम निपा वायरस की जो केसेस हैं वो हम अर्ली डिटेक्ट कर पाए, भले ही वो विद द हेल्प ऑफ वेटरनरी सर्विसेज हो। अगर ह्यूमंस में डिटेक्ट करने हैं तो वन हेल्थ अप्रोच और ज्यादा काम आती है, ह्यूमन पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वन हेल्थ अप्रोच जो है वो एनिमल्स के केस में भी बहुत काम आएगी, वेटरनरी जो सिस्टम है उसके हेल्प से हम अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है वो पता लगा पाएंगे। देन रेजिंग अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ओनली वे टू रिड्यूस और प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन बिकम्स इज कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि कितना रिस्की ये डिजीज है, कैसे ये फैलता है। तो लोगों को एजुकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या मेजर्स आपको लेने हैं ताकि कि आप ऐसे डिजीज के साथ एक्सपोज नहीं हो, आपका एक्सपोजर का जो अमाउंट है वो रिड्यूस्ड रहे एंड निपा वायरस से बचा जा सके। नाउ इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस एट ऑल लेवल। देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स का ध्यान रख रहे होते हैं और सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि वो खतरे में होते हैं इन्फेक्शन के। सो वाइल दे आर हैंडलिंग स्पाइसीमेंस फ्रॉम द पेशेंट्स, देर शुड बी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस एट ऑल द लेवल्स। भले ही छोटे से छोटा नर्स से लेके डॉक्टर से लेके सारी लोग जो कंटेमिनेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं या पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होनी चाहिए कि प्रिकॉशंस के लिए क्या हम लोग फॉलो करेंगे प्रोसीजर्स, और वो फॉलो भी होने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट एटलीस्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनमें लोगों को नहीं हो, क्योंकि जब हेल्थ केयर के सिस्टम के लोग इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। पहले ही रिसोर्स शॉर्टेज बहुत है इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्निकल गाइडेंस। देखिए WHO ने बोला है कि WHO इज गोइंग टू सपोर्ट अफेक्टेड एंड एट रिस्क कंट्रीज जिनमें ऑलरेडी अफेक्ट हुआ है जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एंड जो रिस्क पे हैं कंट्रीज उनको हेल्प करेगा। क्यों, कैसे हेल्प करेगा, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि हाउ टू मैनेज आउटब्रेक्स ऑफ निपा वायरस एंड हाउ टू प्रिवेंट देयर ऑकरेंस ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के एफर्ट है, नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे WHO की भी एफर्ट्स अवेलेबल हैं कि कैसे निपा वायरस को कंट्रोल किया जाए, कैसे इसके आउटब्रेक से बचा जाए, क्योंकि WHO को भी पता है कि इफ आउटब्रेक हैपेंस इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सीवियर सिचुएशन एंड वी कैन से कोरोना वायरस पेंडेमिक जो आया था उससे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है और इसका मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, स्प्रेड भी बहुत जल्दी होता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद निपा वायरस। सो आई होप आफ्टर दिस वीडियो आपको समझ आया होगा बेसिकली निपा वायरस क्या है, कितने सालों से आउटब्रेक्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किन एरियाज में बार बार ऑब्जर्व किया जा रहा है और क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो अर्ली डिटेक्शन है वो कुछ ही एरियाज में ज्यादा है, एंड आपको ये भी समझ आया होगा कि कौन से वैक्सीन जो हैं या बोल सकते हैं डोजेज या एंटीबॉडीज जो है हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, क्या इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ निपा वायरस, एंड व्हाट द कंट्रीज व्हिच आर इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज नीड्स टू डू, और वी कैन से द वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पब्लिक हेल्थ कंसर्न ऑफ निपा वायरस। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।